पत्नी को दोष देते हैं, नहीं नहीं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, प्रेम से कहो श्री राधे, ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। एक पत्नी ने पति को कहा, देखो जी, अगर मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? तो पति ने कहा, कैसी बात कर रही है, बिल्कुल नहीं करूंगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद पत्नी ने कहा, यदि आपके मन में शादी करने की इच्छा हो तो आप शादी कर लेना, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, मेरे कपड़े उसको पहनने के लिए मत देना। तो धीरे से पति ने कहा कि वैसे भी माधवी को तेरे कपड़े नहीं आएंगे, किसी माता बहन का नाम माधवी हो तो मुझे क्षमा कर देना, थोड़ा हास्य की बात है, विनोद की बात है। माने झगड़ा क्यों है, अशांति क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं है। परंतु शांति पत्नी की तरह है, और क्षमा पुत्र, क्षमा पुत्र, क्षमा पुत्र के समान है। क्षमा करना सीखो, क्षमा बड़ेन को चाहिए और छोटेन को उत्पात। व्यक्ति जब कोई उत्पात करता है तो वो कोई बड़ा नहीं कहलाता है। व्यक्ति के जीवन में गंभीरता होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि बड़ा बनना कोई सरल नहीं है। घर में आप दही बड़े बनाते हो ना, तो पहले पीसे जाते हैं, प्रेम से कहो श्री राधे, खूब कहने का अभिप्राय यही है बंधुओ, कि हमारे जीवन में क्षमा का भाव जब आ जाता है, क्षमा पुत्र के समान होता है। तो सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि ध्यायेमः। जब वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करने जा रहे थे तो सत्यम परम धीमहि कहकर के प्रारंभ किया है। बहुत ध्यान से इसको आप सुनना, क्योंकि भागवत में आप लोग प्रवेश करने जा रहे हो और मुझे ये आपको बताना है कि श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप क्या है। देखो, भागवत वो ग्रंथ है, ये विवादित ग्रंथ नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये भागवत तो संवाद कर रही है। और मैं भी आपको कोई उपदेश करने नहीं आया। भागवत की कथा मैं श्रवण करा रहा हूं तो आपको सुना भी रहा हूं, और इस कथा को मैं स्वयं सुन भी रहा हूं। ये सुनाई भी जाती है और सुनी भी जाती है। और भागवत जी की महिमा तो इतना अद्भुत है भैया, कि आप लोग भले ही ठीक है व्यास गद्दी से नीचे बैठे हो, हमारे लिए एक आसन भी बिछाया है, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, लेकिन हम जब व्यास गद्दी की पूजा करते हैं तो कहते हैं, भैया जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं वो भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भागवत की महिमा देखिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिस समय कथा का प्रारंभ हो जाता है और श्रोता अपना आसन ग्रहण कर लेता है और वक्ता भागवत की गद्दी पर बैठ कर के जब कथा का प्रारंभ करता है, तो इस समय
मैं मृदुल कृष्ण नहीं हूं, आप जो भी आपका नाम हो आप नहीं हैं। भागवत जी कहती हैं कि जिस समय कथा का प्रारंभ होता है तो वक्ता और श्रोता बोले दोनों ही कृष्ण रूप हो जाते हैं, दोनों ही परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। ऐसी मैं ऐसा लिखा है भागवत के महात्म्य कि कृष्ण समता मलमन्य धर्म ही, कृष्ण समता मलमन्य धर्म ही, ऐसा इस पवित्र ग्रंथ की महिमा है। तो सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि ध्यायेम, हम परम सत्य का ध्यान करें। सत्य ही तो राम है, सत्य ही तो कृष्ण है, पर आज झगड़ा किस में है? बोले नाम का झगड़ा है। जहां देखो वहां नाम का रूप का झगड़ा है, पर भागवत में कोई विवाद नहीं है। भागवत श्री कृष्ण का प्रतिपादन कर रही है, लेकिन कृष्ण का प्रतिपादन करते हुए भी सबसे प्रथम मंत्र में वेदव्यास भगवान कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, तुम सत्य का ध्यान करो, क्योंकि सत्य ही तो भगवान श्री राम है और सत्य ही तो कृष्ण है। सत्य में कोई विवाद नहीं है। लेकिन प्रणाम सबको करना, सजदा केवल एक के सामने ही करना, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। देखो हमारे मुस्लिम भाइयों की भी जब पवित्र रमजान प्रारंभ होता है और अब हमारे यहां दीपावली आ रही है, मैं कहां करता हूं, ये दोनों ही भारत की दो आंखें हैं, एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है। लेकिन आप यदि देखें, थोड़ा विचार करें, इंग्लिश में आप रमजान लिखें तो आर ए एम जेड ए एन, ठीक है, गलत तो नहीं कहा मैंने, आर ए एम जेड ए एन, तो कहां से उनकी पवित्र यात्रा रमजान की शुरू हो रही है, किस नाम से शुरू हो रही है जरा बताओ, राम से, राम से रमजान। और हमारी अब दीपावली आ रही है तो आप इंग्लिश में दिवाली कैसे लिखोगे जरा बताओ, डी आई डब्ल्यू ए एल आई, ठीक है, ए एल आई। हमारे यहां दिवाली का विश्राम हो रहा है अली से, ए एल आई, कहां झगड़ा, कैसा झगड़ा, कहने का अभिप्राय यह है बंधु कि हमारे मुस्लिम भाइयों को आप देखें तो राम से यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, उस रमजान की उस पवित्र यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, और हम जब दिवाली मनाते हैं तो अली से हमारी दिवाली का विश्राम हो रहा है। ये तो चंद स्वार्थ लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए ये झगड़ा करा रहे हैं, लेकिन शास्त्र में और शास्त्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो कोई झगड़ा नहीं है। ये भारत की दो आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये नाम रूप का झगड़ा हो रहा है। केवल राम उसे कहते हैं जो सम में रमा हुआ है, हमारा राम कहां नहीं है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो हिमें जाना, मेरा राम कहां नहीं है, किसके अंदर नहीं है। और कृष्ण का अर्थ है करशती
इति कृष्णः, जो अपनी ओर खींचे वो कृष्ण है। श्रीमद् भागवत कोई विवादित ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत में कोई विवाद नहीं, केवल संवाद भागवत करके आपको समझा रही है कि आप सत्य के उपासक बन जाओ, क्योंकि सत्य ही भगवान श्री राम है और सत्य ही श्री कृष्ण है। प्रणाम सबको करना, लेकिन सजदा एक के सामने ही करना है, किसी का अपमान हमको नहीं करना है, किसी का हमको तिरस्कार नहीं करना है, सलाम सबको करना है, लेकिन झुकेंगे तो अपने प्रभु राम और कृष्ण के चरणों में। सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि ध्याये महा। क्या हमने अपने कृष्ण को, अपने राम को इतना संकुचित कर दिया है, केवल एक मूर्ति में हमने प्रभु राम को बांध दिया है? कहां नहीं है मेरा राम, कहां नहीं है मेरे बांकी बिहारी कृष्ण? वो तो सत्य है और उसकी सत्ता भी परम सत्य है। इसलिए भागवत में देखिए, कृष्ण का नाम नहीं लिया है, राम का नाम नहीं लिया है, शिव का नाम नहीं लिया है। कहते हैं सत्यम परम धीमहि, हम सत्य को वंदन करें, क्योंकि सत्य ही मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु कृष्ण और मेरे प्रभु भगवान शंकर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 सोन का दृषि एकत्र हुए थे। देखो भागवत के प्रारंभ में कितना सुंदर प्रश्न किया जा रहा है कि त्वया खलु पुराणानि सेतहासानि चानगा आक्षातन्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। सूत जी महाराज के चरणों में सोनकादृशियों ने प्रणाम करके प्रार्थना की कि महाराज हमारे अंदर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न भागवत में किया है कि मानव जीवन में मानव का श्रेय का मार्ग कौन सा है, प्रेय का मार्ग नहीं पूछा, श्रेय का मार्ग कौन सा है। श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। हम सब जीवों का कल्याण कैसे हो प्रभु? और दूसरा प्रश्न किया कि तत्व क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, देवकी और वसुदेव के घर परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, क्यों प्रभु अवतार लेते हैं, अवतार का प्रयोजन क्या है। और चौथा प्रश्न किया है कि भगवान कृष्ण के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किया है कि कौन कौन सी अब तक भगवान की लीलाएं हुई। और देखो छठा प्रश्न कितना बढ़िया है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्महकं शरणं गतः। ये छठा प्रश्न किया है कि भगवान अपने कुल का संहार कर जब श्री कृष्ण परमधाम में पधारे थे तो महाराज ये बताइए कि धर्म ने किसका आश्रय लिया, ये धर्म किसकी छत्र छाया में फला फूला। तो सूत जी महाराज इन प्रश्नों को सुनकर के सोनका दृश्यों से बोले हैं कि मुनि साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम, आपने लोक मंगल के लिए प्रश्न किया है, लेकिन देखो सोनका दृश्यो कि सवै पुंशाम परो धर्मो
यतो भक्तिर्दोक्षजे। बहुत ध्यान से सुना। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि परम कल्याण का जो पथ है वो क्या है। बोले परम कल्याणकारी जो मार्ग है वो भगवान की कामना रहित भक्ति है, कामना रहित प्रेम है। क्योंकि हम थोड़ी भी पूजा करते हैं तो भगवान के सामने हम बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट रख देते हैं कि प्रभु हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। भगवान भी माथा ठोकते हैं, भगवान भी कहते हैं कि पूजा करने आया है, थाली तो सजी की सजी रखी है, पूजा से कोई मतलब नहीं है, लगता है कोई भक्त नहीं आया मेरे मंदिर में, मुझे तो लगता है कोई भिखारी आया है। प्रेम से कहो श्री राधे। हम पूजा करना ही भूल जाते हैं। ये कैसी पूजा है सोचो जरा। इसलिए हमको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान देने में कोई देरी नहीं करते हैं, लेकिन जिस समय हम पूजा भगवान की करें उस समय हम भगवान के ही हो जाएं। कहने का अभिप्राय यह है कि पूजा में आप लीन होकर के पूजा करो, बस आप हो और आपका आराध्य हो। और कामना रहित होकर के परमात्मा की प्रार्थना करो जिसमें कोई कामना ना हो। क्योंकि जब हम कामना युक्त होकर के भगवान की पूजा करते हैं तो देखो, इस बात को मैं बहुत सरलता से समझाया करता हूं कि थोड़ा हम मांगने में गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको धन की आवश्यकता है, कौन नहीं चाहता धन, ठीक है चलो, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा तो मालूम है, पर दूसरे पक्ष पर भी विचार करो ना कि परमात्मा की क्या इच्छा है, ईश्वर इच्छा क्या है। बहुत ध्यान से इस बात को जरा समझना। अब हमको तो 1,00,000 रुपया चाहिए, हमने भगवान से मांग लिया, अच्छी बात है। तो भगवान से मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप घाटे का सौदा क्यों करते हो भगवान से, आप नुकसान में क्यों जा रहे हो। मैं ये समझाना जरा चाहता हूं यहां प्रसंगानुसार। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे। सभी पुंसाम, सबके लिए भागवत जी आदेश कर रही हैं कि भगवान से आप मांग रहे हो 1,00,000 रुपया, लेकिन भगवान आपको यदि 1,00,00,000 देना चाहते हैं तो आप गंभीरता से सोचिए आप लाभ में रहे या नुकसान में। आपको 99,00,000 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। आपने 1,00,000 रुपया मांगा, भगवान ने दे दिया, लेकिन भगवान आपको देना चाहते थे 1,00,00,000 रुपया। कहने का अभिप्राय मेरा इतना ही है केवल कि भगवान की पूजा के बदले भगवान से कुछ मांगो मत, उन पर छोड़ दो। उनको ये कहो कि प्रभु आप मेरी पात्रता पर विचार करके, मेरी योग्यता पर विचार करके जो आपको देना हो, जो मेरे लिए सही हो, वो आप मेरे जीवन में मेरे ऊपर कृपा कर दो। मुझे मंजूर है। और तो और यदि हम इस भागवत की बात को और समझें इस प्रकार से, जैसे कि एक कन्या के जब वर के साथ फेरे हो जाते हैं
तो वो कन्या उस वर की सारी संपत्ति की मालिक बन जाती है। तो मैं भी यही कहता हूँ भैया कथा में कि तुम भी भगवान से फेरे डाल लो, माने उनके तुम हो जाओ, तो कोई कमी तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। माने सच्चे हृदय से उनकी शरणागत हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, सच्चा प्यार करो, झूठा प्यार मत करना प्रभु से, सच्चे हृदय से प्रभु से। और कामना रहित, वैसे तो आपकी इच्छा है, यदि कोई कामना है तो आप मांगिए, लेकिन मैं कहूंगा कि नुकसान में मत जाइए, लाभ कमाइए। कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सूत जी महाराज यहां कहते हैं कि धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान आचरण करने पर भी यदि परमात्मा के चरणों से हमारी प्रीति नहीं हुई, भगवान के गुणों के प्रति श्रवण करने की हमारे मन में लालसा नहीं हुई, यानी कि भगवान की कथा से हमारा प्रेम नहीं हुआ, तो भैया वो धर्म आपका धर्म नहीं है, वो केवल आपका श्रम है, आप केवल श्रम कर रहे हो। उस प्रभु तक, परमात्मा तक पहुंचने के चार मार्ग सूत जी ने यहां कितने स्पष्ट कर दिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजस्य नित्यदा। यदि कहीं भगवान की कथा कोई हो रही हो तो भगवान की कथा के लिए समय जरूर निकालना, भगवान की कथा को जरूर सुनना, क्योंकि कथा से ही हमारे जीवन की व्यथा मिट सकती है, और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए कथा जरूर सुनना। और कथा भी किसी की आत्मकथा मत सुनना, बोले भगवत कथा सुनना। क्या सुनना? भगवान की कथा, ईश्वर की लीला हम सुने, आत्मकथा नहीं। आत्मकथा तो मैं भी अपनी बहुत आपको कह सकता हूँ, जीवन के संस्मरण बहुत सुना सकता हूँ, लेकिन भागवत किसी के जीवन का संस्करण नहीं है, संस्मरण नहीं है, ये भागवत तो भगवत कथा है, इसे सुनना, इसे सुनना। और दिल लगा कर के सुनना। माँ आनंदीमयी, आप कभी वृंदावन गए ना, आनंदीमयी माँ का वहाँ आश्रम है, और आश्रम का नाम भी बड़ा सुंदर माँ ने मंदिर बनाया था, कृष्ण छलिया मंदिर, भगवान कृष्ण का नाम रखा था छलिया, बहुत प्यार से माँ कहती थी ये मेरा छलिया है, मेरा गोविंद, कृष्ण छलिया मंदिर। तो वो कहती थी कथा कथा तो केवल कृष्ण कथा है, और बाकी सब ब्रथा ब्रथा है, सुनो तो कृष्ण कथा, हरि कथा सुनो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन। भैया जिन कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान तो सर्प के बिल के समान है। तो कथा आवश्यक है, समय निकाल करके भगवत कथा का श्रवण अवश्य करना। दूसरी बात सूत जी महाराज बता रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कि अपने मुख से भी भगवत